इसको सिरधार कर रहा हूँ। बिल्कुल 2 किलोमीटर के अगर 2-4 कोस के अंदर जो गीत नहीं हुए वही गाए जाएंगे। बिल्कुल आज्ञा का पालन हो। राखी जी सुनिएगा, एक फिल्मी टुकड़ा बजा। कौन सा? कि तौबा 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 कैसे है नादान घुंघरू पायल के। क्या बात है कि तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, और एक दिन लेंगे मेरी जान घुंघरू पायल के। तौबा शर्म के मारे लाल पड़ गया रंग मेरा बादामी, के शर्म के मारे लाल पड़ गया रंग मेरा बादामी, और छनक छनक कर गली गली में करे मेरी बदनामी। लोगों के भरते हैं कान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। हमने सोचा कि आज कार्यक्रम का शुभारंभ यही दरबार से कर दिया जाए। हनुमान जी का दरबार लगा हुआ है, माँ भवानी का दरबार सजा हुआ है, तो ये पहला गीत श्री हनुमान जी के चरणों में और आप सबकी सेवा में। आदेश मिला कमेटी की ओर से कि सारे पुरस्कार बाद में बोले जाएंगे गीत जब खत्म हो जाए। सुनेगा आदरणीय राखी आजाद जी, कहना है हनुमान जी का अवतार हुआ जन्म हुआ तो लाल लंगोटा पहने जन्मे। हनुमान जी का जन्म हुआ तो लाल लंगोटा पहने ही वो पैदा हुए, कि लाल लंगोटा पहने जन्मे लाल तो जाहे सुहाए, और वो लाल ध्वजाधारी है कहना। अरे लाल लंगोटा पहने जन्मे लाल तो जाहे सुहाए, और लाल बदन और पीले नयन है अंजनी लाल कहाए। लाल बदन और पीले नयन है। जय हो। ले उधर से, उधर से ये बात। जय हो। और ले ये वाल्मीकि समाज से है भैया जी, और से बिल्कुल आपका आदेश अभी बिल्कुल अभी समय सुना देंगे। ले बहुत कहना है जी भैया, सुना देंगे जी। कहना है अरे लाल लंगोटा पहने जन्मे लाल ध्वजा है सुहाए, और लाल बदन और पीले नयन है हनुमान जी। बदन तो लाल है मगर नेत्र के पीले हैं, इसलिए हनुमान जी का नाम है पिंगाच। कहना अरे लाल बदन और पीले नयन है अंजनी लाल कहाए, तो कहना। और जब हनुमान जी पैदा हुए उन्हें भूख लगी, माँ से निवेदन किया तो माँ ने कहा जो लाल फल हो पका उसे खा लो। तो उस समय निगल गए कि निगल गए लाल लाल दिन मान बजरंग बालाजी। राखी जी निगल गए लाल लाल दिन मान बजरंग बालाजी, तो मेरा कहना कि जय हो राम भक्त हनुमान बजरंग बालाजी। जय हो राम भक्त हनुमान बजरंग बालाजी।
गीत में कोई खास बात नहीं है राखी जी, सुनिएगा अच्छा लगेगा आप सभी को और आप भी सुनिएगा, क्योंकि मजा तो सभी लोग लेंगे और झेलना आपको पड़ेगा हम पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अब हनुमान जी पहली बार देखिए, हनुमान जी माँ की गोदी से धीरे धीरे बड़े हो गए, भगवान की सेवा में लगे और सेवा में जब लगे, जिस समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा राखी जी, जिस समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, कहना शक्ति बाण लगा, सुखेन वैद को लेके हनुमान जी आए और सुखेन वैद ने बताया कि रातों रात अगर द्रोणागिर से बूटी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। तो देखेगा के कर आए के कर न आए, ये संजीवन कर न आए, ये संजीवन तो बच न पाए, लखन का जीवन बच न पाए, लखन का जीवन। इस गीत में तीन अंतरे हैं राखी जी, और आप एक महान कलाकार हैं, आप समझती हैं, कुछ कहना नहीं है, हमसे अच्छा आप गाती हैं, कहना के कर आए ना संजीवन तो बच ना पाए, लखन का जीवन। हनुमान जी पहुंचे द्रोणागिर पर और द्रोणागिर को उठाना चाहा तो द्रोणागिर ने कहा कि हनुमान जी आप मुझे नहीं उठा सकते, आप चाहे इतने बड़ी हो लेकिन उठा नहीं सकते। बोले क्यों? क्यों? क्योंकि आपने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, अपनी माँ का दूध नहीं पिया है तो हनुमान जी द्रोणागिर से रातों रात किष्किंधा आए, अंजनी माँ का दूध पिया और दूध पीकर तुरंत वापस गए, फिर द्रोणागिर को उठा लिया। माँ के दूध में जो शक्ति होती है वो किसी भी चीज में शक्ति नहीं, हल तो खाया मगर दूध नहीं पिया। तो देखिए माँ से पहली बार यहाँ, पहली बार नहीं मतलब देखिए संकट के समय जब भगवान राम पे संकट आया और पर्वत को उठाने के लिए बूटी लाने के, जब पर्वत उठाने की बात आई पहचान नहीं पाए बूटी को, तो फिर माँ का दूध पर पी करके आए और उठा लिया पर्वत को। तो देखिएगा कैसे, तो कहना दूध की छत से धार को पी के, लोग कहते हैं कि दूध में 32 धार होती है लेकिन नहीं, पुराणों में लिखा कि दूध में 36 धार, माँ के एक स्तन में 18 धार, एक स्तन में 18 धार। तो कहना अरे दूध की छत से धार को पी कर, कर पर गिरवर धारे और अंजनी प्यारे राम दुलारे, रामा दल को सिधारे, रामादल में आ गए और कैसे चले वो, के चले हैं राम के बाण समान बजरंग बालाजी। क्या बात है राखी जी, कैसे जिम आओग रघुपत कर बाना, यही भात चलो हनुमाना, है ना, कि चले हैं राम के बाण समान बजरंग बाला, चले हैं राम के बाण समान बजरंग बाला जी, चले हैं राम के बाण समान बजरंग बाला जी। अगली बात देखिए कैसे राखी जी, रावण को मार दिया भगवान श्री राम ने, वापस पुष्पक विमान से आ रहे थे, रास्ते में किष्किंधा पर्वत पड़ा, तो हनुमान जी ने निवेदन किया कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने माँ के दर्शन करके चलूं। गीत में राखी जी कोई बात नहीं है, तीन जगह में हनुमान जी को उनकी माँ से मिला रहा हूँ, बस गीत में क्यों इतना भाव है। एक बार हनुमान जी जब द्रोणगिरि को उठाने गए तो रातों रात आए, अपनी माँ का दूध पिया, फिर लौट के पर्वत को उठाया। अब देखिए दूसरी बार फिर माँ से मिलने की इच्छा हुई, बिल्कुल जब भगवान राम वापस अयोध्या जा रहे थे, विमान को किष्किंधा पे उतारा और हनुमान जी अपनी माँ से मिले, समझते रहे। अब गीत कह रहा है क्या, छुप के गली से ए? क्या कर रहा? ये
राखी जी। अरे सेन सहित उतरे रघुराई, सेन सहित उतरे रघुराई, और मिले हनुमान जी दोबारा अपनी माँ से मिले किस किंदा पर, आदरणीय संजय भैया क्या बात है, बहुत दूर से हमारे संजय भैया जी आए हैं, केएस म्यूजिकल म्यूजिकल ग्रुप चैनल वाले भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हृदय से। कहना है माता आंदनी ने कहा हनुमान उस दिन तुम रात में दूध पीने आए थे, द्रोणागिरि को उठाने में सक्षम थे, आखिर तुमने मेरा दूध लजा दिया। हनुमान जी तुमने मेरा दूध पिया और दूध को लजा दिया क्योंकि क्योंकि तुमने मेरा दूध पिया, और उसके बाद में तुम चाहते तो अकेले पर्वत को उठा ले जाते, रावण को मार देते, सारी प्रक्रिया आप कर देते, भगवान को कुछ ना होने देते, अब तो मेरी बात दूध की लाज रह जाती। आपने प्रभु को रात भर रुलाया, वो लक्ष्मण के वियोग में रोते रहे, आप बूटी लाने गए और तमाम कष्ट झेला प्रभु ने, आपने मेरा दूध लजा दिया। सुग्रीव ने कहा माँ क्या आपके दूध में इतनी शक्ति है? अंजनी माता ने कहा बिल्कुल, देखना चाहते हो तो माता अंजनी ने अपना अस्तन दबाकर दूध की धार निकाली, वो दूध की धार एक पर्वत पे गिरी और पर्वत के दो टुकड़े हो गए। जियो जियो पंडित श्रीधर। माँ के दूध में वो शक्ति है, आज भी किष्किंधा लोग जो लोग जाते हैं दर्शन के लिए तो आज भी वो पर्वत फटा हुआ दो टुकड़ में बटा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो माँ ने कहा अरे लजा दिया है दूध को मेरे ए हनुमान, अरे लजा दिया है दूध को मेरे, माता ने फटकारा तो दूध धार से फटा है पर्वत, गूंज उठी जयकारा। तो कहना कि आए अवध में बैठ विमान बजरंग बालाजी, आए अवध में बैठ विमान बजरंग बालाजी, आए अवध के अवध कथा बजरंग बालाजी। अब तीसरी बार देखिए कैसे, एक बार और हनुमान जी अयोध्या से भगवान की आज्ञा लेकर आ गए फिर से अपनी माता आंजनी से मिलने, फिर याद आ गई। अब देखिए हनुमान जी तीसरी बार अपनी माँ से मिलते हैं तो अयोध्या से आकर मिलते हैं, कैसे राखी जी देखिएगा सुंदर है, इसमें भी एक विशेष बात आपको मिलेगी। कैसे एक बार मिले तो विशेष विशेष बात मिली, दोबारा माँ से मिले तो विशेष बात, तीसरी बार देखिए और विशेष बात मिलती आपको। जैसे फिल्मी टुकड़ा कह रहा है कि जब छम से ये बच उठते हैं, पग में कांटों से चुभते हैं, ये फिल्मी टुकड़ा है बिल्कुल राखी जी। आए हनुमान जी माता से लिपट गए, माता ने सीने से लगा लिया तो एक घटना घट गई। कैसी के मिले माँ से रमन जगबंद, मिले माँ से और रमन जगबंद, संकट मोचन वो कष्ट निकंदन, वो कष्ट निकंदन। और जब माँ से लिपट गए सर के तीन बार हनुमान के मुख पे लिपट गए राखी जी, हनुमान जी के मुख पर अपनी माता अंजनी के सर के तीन बार हनुमान जी के मुख पे लिपट गए तो एक घटना घटती देखी। कैसे समत्तर है, हर सर के तीन बाल हैं लिपटे, सर के तीन बाल हैं लिपटे, हनुमान मुख ऊपर के सर के तीन बाल हैं लिपटे, हनुमान मुख ऊपर तो छुड़ा छुड़ा के माने बहाया, छुड़ा छुड़ा के माने बहाया, गिरे है जाकर भूपर।
के तीन बाल जो हनुमान के मुख पे लिपट गए, छुड़ा छुड़ा के बहा दिया, वो तीन बाल धरती पे गिरे तो देखे चमत्कार हुआ। कैसा? और छुड़ा छुड़ा के माने बहाया गिरे वो जाकर भू पर, तो कहना क्या बन गए तीन तीर्थ स्थान बजरंग बाला। ए! 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 हो जय हो। वो तीन बाल तीन जगह तीर्थ स्थान बन गए। वो स्थान है कहाँ राखी जी? वो स्थान है राजस्थान विराजे बालाजी। कि वो स्थान है राजस्थान विराजे बालाजी। वो तीनों बालाजी वो हनुमान जी के तीनों रूप, जैसे के बाल रूप में हनुमान, बाल रूप में एक जगह है कि बाल रूप में हनुमान मेहंदीपुर बालाजी, जो मेहंदीपुर में है वो बाल रूप में है बिल्कुल, और प्रौढ़ रूप में हनुमान सालासर बालाजी, और जो युवा रूप में जो प्रौढ़ मतलब जवान जवानी रूप में जो है प्रौढ़ रूप में जय हो, कहना कि प्रौढ़ रूप में हनुमान सालासर बालाजी, और वृद्ध रूप में हनुमान बाला बालाजी, वृद्ध रूप में हनुमान बाला बालाजी, वृद्ध रूप में हनुमान बाले बालाजी, बाल रूप में हनुमान मेहंदीपुर में, और प्रौढ़ रूप में हनुमान सालासर, और राजस्थान में एक और जो वृद्ध रूप में है वो बाला बालाजी के नाम से, और महाराष्ट्र में विद्यमान तिरुपति बालाजी, महाराष्ट्र में विद्यमान तिरुपति बालाजी, महाराष्ट्र में विद्यमान तिरुपति बालाजी, और तीनों रूपों में विद्यमान सालासर बालाजी, ओ वृद्ध रूप में हनुमान बाला बालाजी, बोलो बालाजी सरकार की जय। आकाश भैया, आकाश भैया लक्ष्मी पुरवा आपकी ओर से एक ये पुष्पहार है, 100 मुद्राओं का आशीर्वाद है, ये यही बाकी रह गया, मोबाइल भी है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा कोई बात, कोई बात नहीं, हम सोचो मोबाइल भी दे रहे हो। हाँ। मोबाइल ले जाओ, सिम ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद है पुरस्कार के लिए आकाश भैया को, धन्यवाद। सुनिए शर्म के मारे लाल हो गया रंग मेरा बादामी, शर्म के मारे लाल हो गया रंग मेरा बादामी, गली गली में छनक छनक के करे मेरी बदनामी, घुंघरू पायल के तौबा कैसे है नादान, घुंघरू पायल के Hey!
आपने बताई है। बिल्कुल आदरणीय जानकी रमन जी, आपने कहा क्या बेटा, गाने में खास बात यह है कि तीन जगह वो माँ से मिल रहे हैं, माँ से मिल रहे हैं। और पहली जगह आपने बताया निगल गए लाल लाल दिन मान बजरंग बालाजी। तो जिस समय हनुमान जी ने सूर्य का भक्षण किया है उस समय वो अंजनी माता से मिले कहाँ है, उनको तो माँ उनकी छोड़कर आई थी। और जब वो छोड़ के आने लगी उन्होंने कहा माँ आप तो जा रही हो, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा। तो उनकी माँ ने कहा था बेटा मैं जा रही हूँ लेकिन मेरे जाने के बाद जो तुमको लाल लाल फल दिखाई दे उसे खा लेना। वहां मिले कहाँ है माँ से, वहां तो पिछड़े हैं माँ से, ये बात वहां तो माँ से अलग हुए हैं। आप कह रहे हो मिल रहे हैं और जब माँ ने कह दिया कि जो लाल लाल फल दिखाई पड़े वो खा लेना, तभी उन्होंने देखा प्रातः काल कोई फल दिखाई नहीं दिया, प्रातः काल भगवान सूर्य उदय हो रहे थे, बस वही लाल लाल दिखाई पड़े। तभी कहा जाता कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो, ताई सुत्रास भयो जग को या संकट काहू सो जात न टारो, तो देवन आन करी विनती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो, तो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है, ये है पढ़ाई लिखाई। फिर आपने कहा क्या तीन बाल माता अंजनी के टूट गए, हनुमान जी के मुंह में चिपक गए, मुंह में चिपक गए मतलब मुंह पर चिपक गए उसके। और जब वही मुंह पर चिपके हुए बाल हनुमान जी ने छुड़ाए तो वो जमीन पर गिर पड़े और वही तीन बालों से तीन तीर्थ स्थान बन गए। वो तीर्थ स्थान कौन से हैं? कौन से? राजस्थान में बालाजी हैं, बाल रूप में है, और युवा रूप में सालासर में विद्यमान है, और वृद्ध रूप में आपने कहा राजस्थान में एक स्थान है उसको बाला बालाजी कहा जाता है, वो बाला बालाजी नहीं है। नोट करो, लिख लो, बालाजी के तीन स्थान है, एक है मेहंदीपुर बालाजी, एक है सालासर बालाजी और एक है बडाला बालाजी। बडाला में बालाजी का स्थान है, बाला बालाजी नहीं है, बडाला बालाजी है। खैर आपका गीत है, आप जानो आपका काम जाने। बिल्कुल बेटे, मुझे आपका जवाब देना है, आइए मैं भी कोशिश कर रही हूँ। और खास बात तो ये है, क्या आपने कहा राखी जी इस गीत में तीन अंतरे हैं और तीनों अंतरे अलग अलग तरीके से हैं। वैसे इसी गीत में नहीं, हर गीत में तीन ही अंतरे होते हैं, बस अंतर ये है कि किसी किसी में सेम सेम होते हैं, किसी किसी में अलग अलग हो जाते हैं। तो आइए मैं कोशिश कर रही हूँ, सुने आप। अरे बचन मान हनुमान जी माँ का, राम जी का दर्शन करने के लिए एक राजा थे जिनका नाम है राजा चित्रकेतु। राजा चित्रकेतु चले जा रहे थे, रास्ते में मिल गए नारद जी, बोले कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहे राम जी के दर्शन करने के लिए। तो नारद जी ने कहा मेरा भी एक काम कर देना वहां जाके। क्या? राजा ने कहा बताइए कौन सा काम है। नारद जी ने कहा वहां जाना तो दरबार में जितने लोग बैठे हो तुम सबको प्रणाम कर लेना लेकिन भगवान राम के गुरु जी को प्रणाम ना करना, बस ये मेरा काम है।
राजा ने कहा ठीक है, अब आपका काम है तो करना ही पड़ेगा। राजा गए और दरबार में बैठे हुए सारे विद्वान जनों को, सभी सदस्यों को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, लेकिन भगवान के गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। और जब गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, गुरु जी क्रोधित हो गए, बोले राम तुम्हारी सभा में मेरा इतना बड़ा अपमान। राम जी ने कहा गुरु जी आप चिंता मत करिए, इस दुष्ट राजा के आज सूर ढलने से पहले मैं प्राण ले लूंगा। भगवान चल पड़े राजा को मारने के लिए। अब जैसे ही राजा ने सुना कि राम जी मेरे प्राणों के पीछे पड़ गए, मैंने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, राजा अपनी जान बचाने के लिए भागा। रास्ते में फिर नारद जी मिल गए, बोले कहां भागे जा रहे हो? बोले अरे क्या बताएं, अच्छा खासा फंसा दिया आपने, जा रहे थे, अगर गुरु जी को भी प्रणाम कर ले तो क्या बिगड़ जाता मेरा। अब मैं, मुझे तो मेरे जान के लाले पड़े हुए हैं, कैसे क्या हो पाएगा। नारद जी ने कह दिया जाओ तुम अंजनी माता के पास चले जाओ, वही शायद कोई निदान निकल सकता है। तो राजा पहुंचे अंजनी माँ के पास और बोले माँ मेरी रक्षा करिए। माता अंजनी ने कहा आखिर बात क्या है बताओ तो। राजा ने कहा पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी रक्षा करने का वचन आप मुझे देती हो, आप मुझे वचन दीजिए। तो जब माता जी ने 3 बार वचन दे दिया, तब राजा ने बताया कि मेरे प्राणों के पीछे भगवान राम पड़े हुए हैं। राम का नाम सुनते ही माता भी चकरा गई, बोली ये कैसी बात कर रहा है राजा, भगवान राम इसकी जान लेना चाहते हैं, अब भला मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। तो माँ ने कह दिया जाओ अगर तुमको कोई बचा सकता है तो वो केवल मेरा बेटा है, जाओ उसी की तलाश में जाओ। अब देखिए हुआ क्या, क्या हुआ? बचन मान हनुमान जी का माँ, अरे बचन मान हनुमान जी माँ का, तो राजा के संग आए। राजा को लिवा लाए हनुमान जी महाराज, बोले राजन तुम चिंता ना करो, जैसा जैसा मैं कहता जाऊं तुम वैसा ही करते जाना। बस कहा ठीक है। तो देखिए हनुमान जी ने करवाया क्या, क्या बेटा क्या? वचन मान हनुमान जी माँ का, राजा के संग आए तो राम सिया रटवा राजा वो। एक तालाब में उनको खड़ा कर दिया और बोले राजन जैसे ही पहला तीर आए, पहला बाण आए, तुम केवल राम 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 कहना। और राजा ने वैसे ही किया, पहला बाण आया वापस चला गया, दूसरा आया, हनुमान जी ने कह दिया आपकी बार तुम सीता राम कहना, दूसरा बाण आया वो भी चला गया, तीसरी बार हनुमान जी ने कहा आपकी बार जो बाण आए तुम सीता राम के साथ मेरा भी नाम ले लेना। जब तीसरा बाण भी वापस हो गया, भगवान राम चकरा गए, सोचने के ऐसा लग रहा है इसको कोई चतुर व्यक्ति मिल गया है। देखिए हुआ क्या, वचन मान हनुमान जी माँ का, तो राजा के संग आए राम सिया रटवा वो राजा, वापस तीर सिधाए। पड़ गए आखिर ऐसा हो क्या गया, तो मैं कह रही हूं क्या, लख कर चकराए श्रीमान भगवान राम के, लख कर चकराए श्रीमान जय हो बालाजी, तो लख कर चकराए श्रीमान जय हो बालाजी, और शक्ति के संग शक्तिमान जय हो बाला। आइए अगली बात देखें आप,
हो रहा है। एक बार महाराज केसरी हनुमान जी के पिताजी एक बार वो बीमार पड़ गए, बहुत से उपचार करवाए गए, तमाम वैद्य हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा है। तो देखिए हुआ क्या, क्या हुआ, कहने लगे क्या कि जब कोई ना उपचार दिखाए लेने औषधि स्वयं सिधाए, स्वयं औषधि लेने के लिए चल पड़े। कहां के जामवंत द्वारा माता ढिंग द्वारा माता ढिंग आए हैं गदाधारी, तो पिता केसरी के जीवन हित अरे गंधमादन गिरिधारी, गंधमादन पर्वत पर आए, क्यों क्यों लाए औषधि कीर्तिमान, जय हो बालाजी। उनके पिताजी के लिए वो औषधि उनको गंधमादन पर्वत पे मिली, इसलिए तो लाए औषधि कीर्तिमान, जय हो बालाजी, तो शक्ति के संग शक्तिमान, जय हो बालाजी, शक्ति के संग शक्तिमान, जय हो बालाजी, शक्ति के संग शक्तिमान, जय हो बालाजी। जानकी रमन जी, देखिए पहले अंतरे में भी हनुमान जी अपनी माँ से मिले और माँ ने वचन दिया कि जाओ राजा की रक्षा करनी है, वहां भी माँ से मिले। पिताजी बीमार पड़ गए, तब माता की आज्ञा से वो जामवंत जी से मिले और उन्होंने बताया कि तुमको बूटी गंधमादन पर्वत पे मिलेगी। यहाँ भी माँ से मिले, एक टुकड़ा और देखें वहां भी माँ से ही मिल रहे हैं। बहुत अच्छे बेटा, तो कहा गया क्या अरे रुद्र ग्यारहवे अंजनी नंदन, अच्छा
सुत के श्री मो शिव ग्यारहवें रुद्र अंजनी नंदन पवन सुत केसरी और शिव के नंदन यानी तीन पिता हैं इनके। अब तीन पिता हैं तो कह रही हूँ क्या क्या अरे बाल तो बाल रूप धर सूर्य से शिक्षा क्या बेटा अरे बाल रूप धर सूर्य से शिक्षा लेने को कभी आए भगवान सूर्य को अपना गुरु बना लिया उनसे शिक्षा प्राप्त करने चले गए तो बाल रूप धर सूर्य से शिक्षा लेने को कभी आए अंजनी के संग युवा व्रत बन श्री राम के पास सिधाए कहा गया क्या तो बाल रूप धर सूर्य से शिक्षा अरे लेने को कभी आए तो अर्जुन के संग युवा वृद्ध बन अरे भीम के पास सिधाए। अब यहाँ भी तीन रूप उनके मिल रहे हैं युवा वृद्धा और बाल तो कहते हैं अरे रहते राम कथा में गतिमान तो रहते राम कथा में गतिमान या यूं कह लीजिए रहते राम कथा में विद्यमान जय हो बालाजी। इस भैया थोड़ा निकल जाने दो ये गाय निकल जा आराम से निकल जाए कि रहते राम कथा में गतिमान जय हो बालाजी। और मैं क्यों कह रही हूं क्यों एक बार बचपने में माता अंजनी हनुमान जी महाराज को राम कथा सुना रही है हेलो हेलो और जब बात आई प्रसंग आया सीता हरण का उस कथा में तो जब सीता हरण की बात सुनी अचानक हनुमान जी गरज उठे जो छोटे से हैं अचानक गरज उठे और बोले माँ मैं भी हनुमान बनूंगा उस पापी रावण को मजा चखाऊंगा। पापी तो मैं कह रही हूं क्या कि रहते राम